Hello friends, welcome to our channel in our gardening experience में. तो आज मैं कुछ नया दिखाने वाली हूँ. ये मेरा मम्मी का गार्डन है. तो अभी विंटर स्टार्ट हो गया है, तो आपको पता ही होगा महाराष्ट्र में दिवाली के बाद भी बारिश होके गई. अभी तो बारिश नहीं होगी ऐसा लग रहा है, और थोड़ी थोड़ी ठंड भी लग रही है. और ये देखो, ऊपर टेरेस में जो धूप होती है, धूप अच्छी तरह से नहीं आ रही पहले जैसे आ रही थी. तो ये पूरा कोने में, ये जो कॉर्नर है, तो यहाँ पे थोड़ी भी धूप नहीं आ रही थी. पूरे इस कोने में धूप नहीं आ रही थी. और बाकी के जो टेरेस है वहाँ पे, वो उसके भी दो सेक्शन हो गए हैं. एक सेक्शन में थोड़ी धूप आती है 2-3 घंटे, बाकी के 2-3 घंटे नहीं आती है. और बाकी एक सेक्शन में पूरा दिन धूप खिल रहती है. तो इसके हिसाब से हमने पूरे जो प्लांट है तो उनके मैनेजमेंट किया है. यहाँ पे ये कॉर्नर में थोड़ी भी धूप नहीं आती थी, तो यहाँ पे पूरे शेडिंग के जो पौधे हैं प्लांट्स है वहाँ पे लाके रख दिए हैं, जो कि बिना धूप के भी चल सकते हैं. तो ये पूरा इधर उधर बिखरे हुए इधर लाके रख दिए हैं, क्योंकि अभी आपको तो पता ही है विंटर जब आता है, विंटर में क्रिजेंटिमम और रोज़ प्लांट और इनके जो भी फ्लावरिंग प्लांट है उनका सीज़न रहता है, और उनके लिए तो पूरी धूप अच्छी रहती है फ्लावर्स पाने के लिए. तो इसलिए बाकी के टेरेस को थोड़ा सा मैनेज करके ये जो है सभी शेड लविंग प्लांट जो है ये कोने में डाल दिए हैं हमने. ये थोड़ा बहुत मैनेज किया है. हमारे पास कोई ऐसा अच्छा स्टैंड नहीं है अभी. वो जो दिख रहे हैं क्रिजेंटिमम के प्लांट, तो उसके लिए एक स्टैंड बनवाया है, एक दो स्टैंड बनवाए हैं, तो वो भी हम दिखाएंगे बाद में. तो ये कॉर्नर ऐसे अरेंज किया है. ये पूरे प्लांट जो है ये पूरे शेड लविंग है, और ये दूसरे सेक्शन में यहाँ पे 2-3 ही घंटे यहाँ पे धूप आती है. लेकिन आप देख रहे होंगे गेंदा को बहुत ही कलियाँ आ गई है. ये पूरे लेफ्ट हैंड साइड को, ये यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पूरे गेंदा के पौधे हैं, वो भी बहुत बड़े बड़े हो गए हैं. एक प्लांटर में एक ही है गेंदा का पौधा, लेकिन उसे खाद अच्छी तरह से मिला है, इसलिए बहुत बड़ा प्लांट हो गया है. एक बहुत बुशी हो गया है एक एक प्लांट. ये देखो, एक ही प्लांट है लेकिन बहुत बुशी हो गया है. और ये है पर्सलिन, इसे आप ही ये हेल्दी हो गया है, इसे फूल आ रहे हैं अच्छी तरह से. और ये देखो, यहाँ पे क्रिजेंटिमम है, तो यहाँ पे सुबह भी 1-2 घंटे नहीं आती थी धूप, और बाद में दोपहर को भी थोड़ा प्रॉब्लम ही होता था. मुझे लगता है यहाँ से सूरज निकल के यहाँ से जाता है, तो ये यहाँ पे भी धूप नहीं आती, इसलिए हमने ये जो प्लेस खाली कर दिया है, तो यहाँ पे धूप आती है देख रहे होंगे आप. तो यहाँ पे हम इन्हें शिफ्ट कर देने वाले हैं क्रिजेंटिमम को. और ये देखिए, ये मैंने पहले भी बहुत बार दिखाया है ये पॉट, ये प्लांटर. तो ऊपर के टैंगल हार्ट ऐसा लगता है जैसे कि ये लेडीज़ ने सर के ऊपर से पल्लू लिया है. इसके हम राह देख रहे थे कि ये ऐसा दिखे. तो अभी भी दोनों भी साइड से अगर ज़्यादा घना हो जाए तो बहुत सुंदर लगेगा. ये अभी भी बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत ही सुंदर लगेगा बाद में ज़्यादा घना हो जाने पर. तो ये भी यहाँ पे इसकी प्लेस तो वही रहेगी. और ये गुलाब हमने लाए थे 2-4 दिन हुए, इसका भी प्लांटेशन करना है. पूरे गुलाब जो है उसकी प्रूनिंग कर दी है, कटिंग कर दी है. और ज़्यादा धूप में, यहाँ पे पूरा दिन धूप रहती है, इसलिए इन्हें यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है, पूरी लाइन शिफ्ट कर दी है गुलाब के पौधों की.
और बाकी के वो जो वहाँ देख रहे हैं वो क्रिजेंथेमम भी है और मोगरा प्लांट है बहुत सारे, और पीछे के साइड में वेजिटेबल्स भी हैं। यहाँ भी पूरा दिन धूप रहती है तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है धूप की। फूल भी अच्छी तरह से खिल रहे हैं, और मैंने बताया था यहाँ पे मिर्ची के पौधे भी बहुत है, एक ही बार आधा किलो मिर्ची निकलती है यहाँ पे 10 दिनों में 8 दिनों में। और ये देखो फ्लावर, ये भी बहुत हेल्दी हो गए हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये देखो मिर्ची, ये भी मैंने बहुत बार दिखाई है, धूप की वजह से ही ऐसा हो रहा है। बीच में बारिश जब चालू थी तब इतने अच्छे नहीं थे वेजिटेबल गार्डन, जितने भी वेजिटेबल है वो बहुत ही खराब चल रहे थे, अभी थोड़ा अच्छा हो रहा है। हाँ लेकिन मिर्चियाँ तब भी अच्छी लग रही थी, थोड़े फ्लावर गोभी जो है तो उनको प्रॉब्लम हो गया था। ये देखो बहुत सुंदर, और इन पूरे वेजिटेबल गार्डन के लिए हम कंपोस्ट फर्टिलाइजर ही डालते हैं। ये पूरे लेफ्ट साइड को वेजिटेबल्स हैं। तो फ्रेंड्स हमें अभी भी कुछ मैनेज करने हैं प्लांट्स उधर सेमी शेड में, और पूरे सनलाइट जो रहते हैं वहाँ पे भी। और फ्रेंड्स जितने भी अपने शेड लविंग प्लांट्स हैं तो उनकी थोड़ी सी हमें केयर करनी पड़ती है, केयर मतलब इतनी रहती है कि उनके पानी के बारे में ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी ये पूरा शेड है यहाँ पे, थोड़ी भी धूप नहीं आती, इसलिए 3 दिनों के गैप में हमें इन्हें पानी देना है। और सिर्फ अभी ये शॉवर कर रहे हो बॉटल से, पत्ते चमकदार रहे इसलिए, क्योंकि ऑर्नामेंटल प्लांट जो रहते हैं तो उनकी खूबसूरती ये पत्तों के कलर में और साइज में ही रहती है, इसलिए ये शॉवर बॉटल ही इसलिए लिया था स्प्रे करने के लिए, ताकि इसमें जमी हुई सभी मिट्टी धूल पूरी निकल जाए और ये फ्रेश हो जाए, और दिखने में भी चमकदार लगते हैं बाद में, और ग्रो भी अच्छे करते हैं, इसलिए स्प्रे बॉटल भी ज़रूरी है इनके लिए। अगर आपके घर में स्प्रे बॉटल नहीं है आपके पास तो ऐसा स्प्रिंकल भी कर सकते हैं आप, पानी थोड़े से छोटे से टब में लेके थोड़े हाथ से भी डाल सकते हैं। और ये भी पानी स्प्रे किया है तो पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी आज दिया है पानी तो 4 दिनों के बाद ही मैं इसे पानी दूंगी। और फ्रेंड्स ये जो अरेंजमेंट है प्लांट्स की तो ये अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है, क्योंकि वो जो धूप वाले पौधे हैं हमारे क्रिजेंथेमम और जो गुलाब के पौधे हैं उनका भी थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है, क्योंकि हमने 2 स्टैंड मंगाए हैं पॉट के लिए, तो इसलिए उसका भी अलग वीडियो रहेगा। तो वो वीडियो तो मैं सारे क्रिजेंथेमम पूरे फूल खिल जाने पर ही बनाऊंगी और उसके बाद ही अपलोड करूंगी। तो इसलिए फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय चैनल एंड शेयर माय चैनल। जो सब्सक्राइब करने पे आप मेरे आने वाले वीडियो भी देख सकते हैं, क्योंकि आने वाले वीडियो में क्रिजेंथेमम के प्लांट रहेंगे विद फ्लावरिंग, और कुछ केयर और टिप्स भी रहेंगे। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि मेरे वीडियो में मेरे मम्मी के और मेरा दोनों भी गार्डन रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड कीप वॉचिंग।